अफसरों ने 85 करोड़ में हरमू नदी को बनाया नाला। जुड़को नगर विकास विभाग नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से नहीं हुई कार्रवाई। ईगल इंफ्रा कंपनी ने गलत डीपीआर पर काम किया पूरा, नहीं रुका अतिक्रमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को आंदोलन बनाने की अपील पूरे देशवासियों से की थी। यह अपील एक वर्ष पहले की गई थी। झारखंड में भी इसको लेकर जल शक्ति अभियान शुरू किया गया, पर पानी तो बचाया नहीं जा सका। हाँ, हरमू नदी के जीर्णोद्धार में 85 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। हरमू नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया। हरमू मुक्ति धाम, करम नगर ओवरब्रिज, निवारणपुर तक की लंबाई के दोनों ओर पत्थर से पिचिंग की गई। कई जगह गंदे पानी को रोकने के उपाय भी किए गए, पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। हरमू नदी शहर की गंदगी ढोने वाले नाले में तब्दील होकर रह गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी थी, इसमें नदी का सौंदर्यीकरण भी करना था। जानकारी के अनुसार नगर विकास विभाग की एजेंसी झारखंड शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड जुड़को की तरफ से आम जनता की गाढ़ी कमाई इस परियोजना में बेतरतीब ढंग से लुटा दिए गए। इस नदी को नाला बना दिया गया। हरमू नदी के आसपास की जमीन भी भूमाफियाओं ने बेच डाली। शहरी क्षेत्र में करम चौक के पास नदी के उद्गम स्थल के पास की जमीन बंद कर नदी की धारा बंद कर दी गई। इसके बाद दोनों तरफ की जमीन बेच दी गई। नदी क्षेत्र की जमीन में लगाए गए मार्किंग पिलर को भी हटा दिया गया। कई रसूखदारों ने जमीन पर बाउंड्री और मकान बना लिया। सौंदर्यीकरण का काम कर रही ईगल इंफ्रा ने कब्जा करने वालों को न रोकने की कोशिश की, न जिला प्रशासन या नगर विकास विभाग ने इस पर रोक लगाई। रांची के मास्टर प्लान में जलाशय के 30 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई गई है, जो फाइलों में ही बंद रही। तब के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने 5 बार निरीक्षण किया, लेकिन गड़बड़ी को नहीं रोक सके। नदी के किनारे की जमीन बेचने के लिए माफियाओं ने पहले रास्ता बनाना शुरू किया। करम चौक नदी पार रोड नंबर 2 से लेकर शहरी क्षेत्र में नदी के उद्गम स्थल तक मिट्टी भरकर रास्ता बनाया और जमीन बेची। अब तो सीवर लाइन से सटाकर पिलर भी दिया जा रहा है। तत्कालीन मंत्री सीपी सिंह समय समय पर नदी के कार्यों का जायजा लेकर हो रही गड़बड़ी पर रोक नहीं लगा पाए। अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। सचिव अजय कुमार सिंह ने 2015 में सौरीकरण का काम शुरू कराया था, लेकिन जुड़को के पदाधिकारी ने गलत डीपीआर पर करोड़ों फूंक कर नाला बना दिया। मुंबई की कंपनी ईगल इंफ्रा को हरमू नदी के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का काम मिला था। कंपनी ने गलत डीपीआर पर सवाल उठाए बिना काम किया। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।